तो देखिए दोस्तों, बाल्टी दिखा, बाल्टी दिखा, ये देखिए कितना आम तोड़े हैं। आम जूस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल सौरभ झा व्लॉग्स में। गाइस, आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ है, मस्त है और जबरदस्त है। तो दोस्तों, आप सबको दिखाने वाले हैं आज हम लोग एक नया ब्लॉग, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। और चलिए दोस्तों, आज आप सबको दिखाते हैं कि हमारा यहाँ कितना सुंदर सुंदर पेड़ों में बहुत ही मीठा मीठा आम पका हुआ है। तो दोस्तों, आज आशा को खाने का मन है कि हम लोग जो है आम का जूस बनाएंगे, मतलब मैंगो जूस बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबको दिखाते हैं कि मेरा पेड़ में कैसा आम है और उस आम को तोड़कर अभी लाएंगे और हम लोग मैंगो जूस बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंगो तोड़ने के लिए पहले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये बाल्टी ले लिए हैं, अभी देखते हैं कितना सारा आम है, तो बाल्टी में भर के लाएंगे। नीचे जा रहे हैं ये, और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये सारे आम का पेड़ है, ठीक है। तो इसमें से आम है ये है, आप सबको दिखाते हैं। देखिए पहले यहाँ से जूम करके आप सबको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पेड़ में बहुत सारे आम है और पका पका आम है, तो अभी चढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो पका हुआ आम है उसको ही अभी हम लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा पेड़ है, इसी में चढ़ते हैं और आम भी ज़्यादा है, पका पका है, तो चलिए चढ़ते हैं इसमें। ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ऊपर लाइन भी है, लाइन का भी पूरा आम तोड़े हैं, आधा बाल्टी आम तोड़ लिए हैं, पक्का और कच्चा दोनों मिला के, ठीक है। आम का देखिए रस कितना निकला हुआ है अभी, तो अब नीचे उतरते हैं, अभी तो पेड़ के में है। चलो मोबाइल लो, मोबाइल पकड़ो, ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा आम पकड़े हैं। हाँ, बहुत ज्यादा आम तोड़ लिए हैं, अब नीचे चलते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, बाल्टी दिखा, बाल्टी दिखा, ये देखिए कितना आम तोड़े हैं। आम जूस हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये राजवीर एक खिलौना लाया है, हेलीकॉप्टर, और अभी हम इसको ऑपरेट करेंगे। ये लोग काफी ऊपर उड़ा रहा है, तो हम भी देखते हैं कि कैसे ये ऊपर उड़ेगा, यही है ना। चलो इसको दिखाओ राजवीर, पहले फर्स्ट तुम इसको ऑपरेट करो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए तो हम लोग एक नया खाटी बनाए हैं। ये खटिया देखिए कितना सुंदर बनाए हैं आप लोग, देखिए। और छोटा बाबू इसी खटिया में बैठ के मोबाइल देख रहा है, छोटा बाबू देखिए मोबाइल देख रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आरव तो नहीं है आज, आरव तो चला गया, आज कहाँ गया है? बुआ घर। बुकू कहाँ गया आरव? आरव को बुकू ढूंढ रहा था, तो हम लोग बोले आरव तो कितना सुंदर पका हुआ है, बहुत ही मस्त पका हुआ है, बहुत सारे आम है। देखिए बहुत सारे आम तोड़े थे, कुछ कच्चा है, कुछ मीठा है, कुछ पका हुआ है, ठीक है। वो जो कच्चा है देखिए यहाँ, अच्छा अच्छा मीठा मीठा आम को इस साइड में रख रहे हैं, इसको छील रहे हैं दोस्तों। सारा आम इन्होंने मतलब काट दिया, पीसेस पीसेस कर दिए हैं, और अब क्या करेंगे? अब ग्राइंडर से इसको, हाँ ग्राइंड करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग आगे दिखाते हैं आपको। और ये देखिए, इधर देखिए छोटा बाबू हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये छिलका और गिठली है ना, ये छिलका गिठली दोनों जो गाय को दे देते हैं। हाँ, हम लोग अब इसको जाएंगे गाय को देंगे, प्रोटीन वगैरह मिलेगा। किसने गिराया? हाँ बाप, किसने? दादा ने, छोटा बाबू ने गिराया कि दादा ने?
और ये देखिए दोस्तों प्लेन, हाँ नीचे गिर गया उड़ाते उड़ाते। और ये आ गया प्लेन। मेरा छोटा बाबू बहुत एक्टिव है ये सब के मामले में। छोटा बाबू को उड़ाना है दादा। छोटा बाबू पहले चीनी को ग्राइंड करेगी ना। हाँ, पहले चीनी ग्राइंड कर लेते हैं फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों अब हम लोग इसमें आम करेंगे ग्राइंड। इसमें हमने चीनी किया ग्राइंड और इसको अब धोने का जरूरत नहीं है क्योंकि चीनी तो इसमें हम लोग डाल के बनाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों आम को भी हम लोगों ने पूरा पीस लिया अच्छे से। और ये है चीनी, चीनी का पाउडर क्योंकि ये पका हुआ आम है तो ज़्यादा चीनी का भी जरूरत नहीं होगा। और ये रहा ठंडा पानी, हमारे पास तो फ्रिज नहीं था तो हम लोग खरीद के एक बॉटल ठंडा पानी लाए हैं। और अब हम लोग बनाने वाला वहाँ है दूध, ये रहा दूध, तो सब मिक्स करके अभी हम लोग बनाने वाले हैं मिल्क शेक। सारा आम का बना देना। यस चीनी आधा देखिए दोस्तों मेरा बेटा चीनी कैसे चोरी चोरी खा रहा है। छोटा बाबू हाय कर दो। इतना सारा तो ये देखिए मैंने आम ले लिया। अब इसमें हम लोग डालने वाले हैं चीनी का पाउडर। और सारा डालूं या नहीं डालूं, एक बार इतना ही डालती हूँ और इसके बाद डालेंगे दूध। ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आपके पास अगर ज़्यादा दूध है तो आप ज़्यादा दूध डालिए। और इतना मैं रखती हूँ क्योंकि फिर मुझे चाय भी तो पीना है। अब इसमें ठंडा पानी, दूध भी हमारा ठंडा ही था, दूध गर्म नहीं था। एक बार मैंने सुबह गर्म किया था फिर वो रखा हुआ था। यस हाँ ये ठंडा पानी। पकड़ो पकड़ो अच्छे से पकड़ो। हाँ तो अब हम लोग इसे करेंगे गार्निश। एक ये हो गया ना। हाँ ये तो हो गया, अब हमें इसे बस सर्व करना है क्या। मैं इसे अब गार्निश करने वाली हूँ। ये बहुत ठंडा लग रहा है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स। हाँ पूरा पानी फिनिश, ठंडा पानी सारा फेंक के आ गया मेरा बेटा। इसमें मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा चीनी पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों रेडी हो गया। हाँ और हमारे पास स्ट्रॉ तो है नहीं तो मैं इसके साथ चम्मच दे रही हूँ। देहाती स्टाइल में पियेंगे। तो ये मैं अब बाकी ग्लास में इसको डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग एक दो तीन चार जन हैं। तो ये मैंने डाल दिया सारा ड्राई फ्रूट्स इसमें। और ये है हमारे फैमिली के हेड ऑफ द मेंबर आरव के पापा के लिए। और ये हम सब छोटे छोटे मेंबर्स मेरे लिए, छोटे बाबू के लिए, राजवीर के लिए, आरव तो है नहीं तो हम लोग के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग मिल्क शेक बना लिए हैं और ये देखिए सबका जो है बंटवारा हो चुका है। और ये मेरा छोटा बाबू अपना चेयर लेके आ रहे हैं, उसको भी तो कहीं बैठने की जगह देना चाहिए। यहाँ पे आ जा बेटा, यहाँ पे आ जा। हाँ यहाँ बैठ। हाँ यहाँ पे बैठो बैठो। ये देख रहे हो दोस्तों ये देखिए। और इसका ये है मिल्क शेक, पकड़ो चलो पियो, वीडियो में सबको बताओ कैसा है।
चलिए सब चेयर्स करो, चलो लाओ ऊपर, चलो 1 2 3 ये पियो। अच्छा है। और आइस होता तो इसमें ज्यादा। ये देखिए छोटा बाबू भी चेयर, छोटा बाबू भी चेयर करो। बस 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 हो गया हो गया। पापा पीलो 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 पापा का साथ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। ये देखे दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही मजा। कैसा लग रहा है राजवीर बताओ? बहुत अच्छा। कमल बताओ? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है छोटा बाबू बताओ? कैसा? ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। अच्छा है। तो दोस्तों हम लोगों ने मैंगो शेक बनाया और बहुत ही अच्छा लगा। अभी 2-4 मैंगो और बचा हुआ है और हम लोग पियेंगे। क्या राजवीर अच्छा लगा ना? हाँ, तो बहुत ही टेस्टी लगा है दोस्तों। फिर हम लोग बनाएंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।